हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, हम अभी आपको डेट्स दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, लाइक वेटरनरी फार्मिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, पटवारी या फाइनेंस के भी दो एग्जाम होने वाले हैं, वन इज द SI फाइनेंस और इंस्पेक्टर फाइनेंस। इनके जो डेट्स है, अगर हम आपको ये नोटिफिकेशन दिखाएंगे, इस नोटिफिकेशन में क्या है, इस नोटिफिकेशन में डेट्स को अनाउंस किया गया है कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। जैसे कि 18 मई दिखा रहे ये पोस्टर्स, फिर 18 मई फिर से, फिर 19, फिर ऐसे ही अगर हम आपको दिखाएंगे वेटरनरी फार्मिस्ट के लिए या जितने जितने के लिए भी आपने फॉर्म फिल किया हुआ होगा, जैसे ये वाइल्ड लाइफ गार्ड 37 पोस्ट, ऐसे आपने बहुत सारे, या वेटरनरी फार्मिस्ट आपने फिल किया हुआ है, या आपने अगर स्टॉक असिस्टेंट फिल किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे पोस्ट है इसमें। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस इंस्पेक्टर जो 12 जून और 26 जून को डेट्स दिए गए हैं। आगे अगर हम पटवारी की बात करेंगे, इसमें सारे सारे पोस्ट है, आपने जो भी फिल किया है वो आप देखना इस PDF से। यहाँ पे अगर आप पटवारी देखोगे, और पटवारी का जो है 17 को एग्जाम दिखा रहा है, 17 जुलाई को। आगे जाके अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिलेबस है, जो भी आपने फिल किया हुआ है फॉर्म, उसका हर एक का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे वेटरनरी फार्मिस्ट हो, पटवारी हो, फाइनेंस SI हो, फाइनेंस या इंस्पेक्टर हो, जो भी आपने फिल किया है, हॉर्टिकल्चर हो, जितने भी, देखिए यहाँ पे फिशरीज अगर आपने फॉर्म किया, फिल किया हुआ है इंस्पेक्टर फिशरीज, जो की बात हो रही है इसके एग्जाम के लिए, सारे जो भी आपने पोस्टर्स फिल किए हुए होंगे, वो सबका यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिलेबस मिलेगा। अब हमें क्या कहना है आपको, देखिए बहुत सारे आपको बता रहे हैं कि जो एग्जाम्स है, एग्जाम्स शायद डिले होने वाले हैं या अपने डेट पे नहीं होंगे। देखिए कंफर्म जो है, जितने भी डेट्स आए हुए हैं, ये जो वेटरनरी फार्मिस्ट एंड ऑल दैट, जितने भी डेट्स है, अपने डेट्स पे एग्जाम होगा। इन एक्सट्रीम केसेस हम आपको बता रहे हैं कि आप डिले, यूजुअली तो आप डिले नहीं देख सकते हो, क्योंकि अगर आपने देखा होगा रिसेंटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन FAK भी आ गई, आज परसों अब आ जाएगा रिजल्ट किसका, JKPSI फाइनेंस, सॉरी JKPSI जो पुलिस का है, JKPSI उसका क्या है, अब फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, पहले तो ये आ जाएगा क्या रिजल्ट आ जाएगा। देखिए बहुत सारे काम है, JKPSI का फिजिकल टेस्ट कराना है, मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराना है, आगे जाके सिलेक्शन लिस्ट इसका भी फॉरवर्ड करना है, देन JKPSC जो केस का अब इंटरव्यू लेना है, क्योंकि रिजल्ट अब आ जाएगा मेंस का, फिर कंडक्ट करना है, तो आगे जाके VLW की रिक्रूटमेंट, बहुत सारा बिजी शेड्यूल है दो, बोथ JKPSI एज वेल एज JKSSB का। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि शायद आप वेटरनरी फार्मिस्ट हो या जितने जो भी आपने फॉर्म फिल किया हुआ होगा कि उसका एग्जाम जो है डिले हो सकता है, बहुत लिस्ट चांसेस है जो इन्होंने डेट्स दिए हुए हैं। अब आपको कोई ये बता रहा होगा कि अब तक रोल नंबर स्लिप आनी चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमने पिछले बार देखा कि विद इन जस्ट 2 डेज एग्जाम को रहे थे, तो फिर उसका क्या है, उसकी जो रोल नंबर स्लिप अपलोड की गई, शायद जूनियर असिस्टेंट का वो था, उसको क्या है जस्ट 2 दिन रहे थे, 2 दिन में ही क्या की गई अपलोड रोल नंबर स्लिप, एडमिट कार्ड को अपलोड किया गया। अब जो ये पटवारी पोस्ट है जिसका ये डेट दिखाया गया 17 जुलाई, कौन बता सकता है कि 17 जुलाई को क्या किया जाएगा, इसको क्या डिले किया जाएगा, अभी पूरा मतलब बहुत टाइम पड़ा है 17 जुलाई तक, और एग्जाम भी जो है, जैसे ये सारे पोस्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, होम डिपार्टमेंट के कुछ पोस्टर्स है, फाइनेंस, हायर एजुकेशन के, जल शक्ति के, इन यहाँ पे, या PWD के, जो जितने भी पोस्टर्स, स्टॉक असिस्टेंट जितने भी है, अपने टाइम पे एग्जाम इनको होना है, और जो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी आप आपसे शेयर करते रहेंगे। और जो ये PDF है, इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो, ये PDF नंबर आप देख सकते हो, डेटेड क्या है, यहाँ पे डेटेड आप देख सकते हो, इट इज द 30 मार्च 2022 की ये जो है नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो और खुद देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारों को सिलेबस नहीं पता होता है, पर्टिकुलर पोस्ट का सिलेबस क्या है, बहुत सारों को नहीं पता होता किस डेट पे एग्जाम होने को है, तो इसको डाउनलोड करना और यहाँ से देखना डेट्स भी, और यहाँ से आप क्या करोगे, ये पूरे नोटिफिकेशन नंबर इवन दिया हुआ है, आप जस्ट ये चेक करना कि आपने फॉर्म कौन सा फिल किया है, क्या नोटिफिकेशन नंबर 1 का फॉर्म, क्या नोटिफिकेशन नंबर 4 का फॉर्म था, या 5 का फॉर्म था, और उसमें से अगर आपने हॉर्टिकल्चर का फॉर्म फिल किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, या अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च असिस्टेंट
पोस्ट भरा फिल किया है तो वो किस नोटिफिकेशन के अंडर है, नोटिफिकेशन नंबर 5। और इसमें से कौन कौन सी नोटिफिकेशन है, इसमें से नोटिफिकेशन जो 2021 के नोटिफिकेशन थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी इसमें इंक्लूडेड है। और नोटिफिकेशन नंबर 7 अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखिए स्किल डेवलपमेंट जो नोटिफिकेशन नंबर 7, ये सारे इसमें लिस्टेड है और इनका सिलेबस, हर एक पोस्ट का सिलेबस इसमें है। तो कितने नोटिफिकेशंस टोटल है मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, नोटिफिकेशन 1 से लेके नोटिफिकेशन 7 तक अगर आपने कोई भी पोस्ट फिल किया है, हर एक का यहाँ पे एग्जाम डेट लिखा हुआ है और हर एक का क्या है सिलेबस दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। ओके, थैंक यू, बाय।